हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सना शाहिद के व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आपके लिए फिर से एक नया व्लॉग नया दिन के साथ। तो यहाँ पर बिरयानी की प्रिपरेशन हो रही है और सुबह के बज रहे हैं 7। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर हो गई थी रात, फिर हम गए इंदौर क्योंकि हमें कुछ सामान खरीदना था। फिर हम पहुँचे राजबाड़ा, फिर वहाँ से हम पहुँचे इमामबाड़ा क्योंकि आज थी मुहर्रम की 6 तारीख और यहाँ पर बहुत रश रहता है 6, 7, 8, 9, 10 को। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे सब देख रहे थे, हम सब सामान, बच्चों का भी था खेलने का और ये सब था। यहाँ पर फूल वगैरह मिल रहे थे और ये अंदर का है जहाँ मैं नहीं गई, शायद गए थे वहाँ का क्लिप निकाल कर लाए नहीं वो सही से। और ये आ गए बाहर, हम, मैं नहीं यानी शायद आ गए, मैं तो बाहर ही खड़ी थी। फिर हम गए आगे, फिर आगे से ये व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का। फिर हम लोग थोड़ा घूमे फिरे उधर ही, फिर कुछ भी नहीं, वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। और फिर हम पहुँचे हमारे घर के लिए, तो रास्ते में हमें फिर से एक ताजिया दिख गया क्योंकि उस दिन 7 तारीख हो गई थी और हम जा रहे थे। और यहाँ पर देखिए कैसे बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ ऊँट घोड़े सब हैं जो कि देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम पहुँचे स्वीट्स वाले के वहाँ, हमने स्वीट्स ली जो कि मुझे पसंद इतनी नहीं है, शायद को ज़्यादा पसंद है, तो शायद ने शायद रस मलाई ली। फिर हम लोग लेकर गए बाहर, बाहर बैठ के हमने खाया और खा के मैं आइसक्रीम खा दी, शायद ये घुमा रहे थे। फिर मैंने वीडियो लिए, फिर हो गया है नेक्स्ट डे। फिर हम पहुँचे हमारे ससुराल के लिए, हम हमारे ससुराल जा ही रहे थे कि बारिश आ गई। फिर हमने सोचा क्यों ना भुट्टे के मज़े लिए जाए बारिश में, तो हमने भुट्टा खाया। फिर और तेज़ बारिश हो गई तो फिर हमने सोचा क्यों ना चाय भी पी ली जाए, तो यहाँ पे खड़े होकर हम चाय पी रहे थे और यहाँ पर सभी लोग आने जाने वाले खड़े थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी बाहर विजयनगर में। सब चले गए हैं, बस अब हम भी चाय नाश्ता कर चुके हैं, अब हम भी जाएंगे और हम निकल चुके। फिर हम गए खाना खाने, रात में खाना खाने जा रहे थे तो ये मुझे तिरंगा अपना बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम लहराता हुआ तिरंगा सल्यूट है। फिर हो गया नेक्स्ट डे, फिर यहाँ हो इस शरबत की प्रिपरेशन, यहाँ पर चल रही है फातिहा और यहाँ हो गई है फातिहा और यहाँ शरबत ठंडा हो रहा है, शायद शरबत ठंडा कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, वो बच्चे पी नहीं पाएंगे। यहाँ ठंडा करते करते हम दो ही बात कर रहे थे कि कल बनाना है या 9 तारीख को, फिर 9 तारीख को बनाएंगे और ये हो ही रही है, अभी फातिया इधर चल ही रही है। चलो हो गई फातिया, अब बाहर चलते हैं और बच्चों को शरबत पिलाते हैं। फिर दिखे मुझे मैम ने, अब आपके वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना इन लोगों को, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मगर ये बड़े वाले अच्छे नहीं लगते, जो छोटे छोटे क्यूट्स रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर हो गई दिन रात, फिर हम गए हमारे घर के थोड़ा सा डेकोरेशन सामान लेने, जो मेरे को बहुत ही इतना अच्छा डेकोरेट का सामान था, देखो आप भी कितना प्यारा प्यारा सामान है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी तो थोड़े ही लाए हैं हम लोग, फिर और जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं था, रात 10 बज गए थे। फिर हम निकले वापस से रात को इधर बाहर घूमने के लिए, तो देखो ये कितना प्यारा सब सजा रखा है गलियों को, ये पानी का परछम लगाया है शायद यहाँ पर। और ये है सब इंदौर का व्यू जो कि आपको देख के अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करती हूँ कि मेरा व्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। यहाँ पर देखो सब चीज़ मिल रही थी, कपड़े वगैरह, फिर मुझे लगी भूख, फिर हमने खाया साबुदाने की खिचड़ी, मैंने खाई दही वाली, शायद ने खाई प्लेन, फिर हमने खा ली खिचड़ी खा के, फिर बैठे थे यहीं पर ही बात कर रहे थे कि देखो कितनी भीड़ है, ये सब जा रहे आ रहे हैं अपना घूमने फिरने। और यहाँ पर आज 7 तारीख है मुहर्रम की, तो यहाँ पर शायद वो हो रहे सलाम वगैरह पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम आगे गए नहीं क्योंकि इतनी भीड़ में जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग आगे गए ही नहीं। फिर यहाँ से हम लोग ने बोला चलो ठीक है अपन चलते हैं, फिर वापस से वही हमारे घर के वहाँ आते वक्त हमें अखाड़ा दिख गया, मैंने वही शूट कर लिया क्योंकि अभी यही चल रहा है तो यही सब आ रहा है। हम जा रहे थे रात में, फिर हमें दिखा तो हमने ये भी शूट कर लिया। आप लोगों के वहाँ कैसे मुहर्रम बनाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हमारे वहाँ तो ऐसे बनते हैं। देखिए अभी दिन का नहीं है, ये रात के भी हैं, सब दिन का भी देंगे आपको व्लॉग। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें।